हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कॉलर नेक सिखाऊंगी फ्रंट से डिज़ाइन वाला। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है, डबल कर ली है और ऊपर से हम हाफ इंच छोड़ देंगे और हाफ इंच का ही निशान लगा लेंगे। नेक हम यहाँ पे रखेंगे 5 इंच का, 5 में 2.5 पे बीच में निशान लगा लेंगे या फिर 1.5 इंच पे। अब इसकी हम गोलाई कर देंगे। यहां से हम 1 इंच नीचे, यहाँ पे भी 1 इंच, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लेस के 1/2 इंच पे यहाँ से इसमें नीचे की साइड निशान लगाना है, तिरछा। ये हमारा नेक रेडी है। अब हम इसको कपड़े पे सिल लेंगे और फैब्रिक के नेक की कटिंग कर लेंगे। ये मेरी कुर्ती का फ्रंट पीस है, इसमें हमने चेस्ट का 12वां भाग रखना है। ये हमारे चेस्ट का 12वां भाग 3 इंच है नेक के लिए और 3 ही इंच हम यहाँ से रख लेंगे और इसको गोल कर देंगे। की कटिंग कर लेंगे। बैक में हम 1 इंच की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पीस है। इसमें भी हम 3 इंच ऊपर से लेंगे और 1 इंच नीचे से, यहाँ से उसकी हल्की सी गोलाई कर देंगे। उसको भी कट कर लेंगे। आइए अब इसको फैब्रिक पे तैयार कर लेते हैं नेक को। ये हमारा फैब्रिक है, ये हमने उल्टा रखा है, उल्टे पे हम इसको सिलेंगे। पहले हम इस पे एक सिलाई लगा लेंगे।
फैब्रिक कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा साइड में छोड़ के। अब ये फैब्रिक इस पे इस तरह सिल लेंगे। ये बुकरम से इस तरह टच करके ही कपड़े को हम सिलेंगे। ये हमने इस पे फैब्रिक को तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्रंट पे लगा देंगे, फ्रंट पीस पे। मेरा फ्रंट पीस है और ये मैंने इस पे स्प्रे से क्रीज बना लिए दोनों पे। अब हम ये क्रीज से क्रीज मिला देंगे। बीच में कच्चा कर लेंगे। ये जो हमारा बॉर्डर है बुकरम का, इसको नेक से इस तरह मिला देंगे। अब हम बीच में कच्चा कर लेंगे ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हो। इसमें चारों तरफ कच्चा कर लेंगे। ये मैंने इस पे कच्चा कर लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इसके कोने कोने में, बुकरम के बिल्कुल साथ। जब हम इसके कोने पे आएंगे तो मशीन को रोक के फिर हम इसको फैब्रिक को इस तरह घुमाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे बीच में से।
बीच में एक कट लगा देंगे और यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है, अब हम इस पे कच्चा कर लेंगे। पहले अब हम बैक पीस इसमें सेट कर देंगे, इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, इसको हम कट कर लेंगे नेक के गोलाई में। जिस तरह हमारी नेक की गोलाई है उसी में ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसकी गोलाई को नाप लेंगे कॉलर के लिए। इस तरह नापेंगे हम। अब हम इसकी बुकरम की कॉलर कट करेंगे। ये हमने बुकरम की पट्टी काट ली है, यहाँ से 1 इंच की ली है हमने। यहाँ से हम 1/2 इंच की इसमें शेप दे देंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 3 इंच पे 12वां भाग चेस्ट का। और अब इसको हम यहाँ से इस तरह मिला देंगे और यहाँ से हम ये गोल शेप
और ऐसे मिला के इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कंडी तैयार है। अब हम दो दो फैब्रिक लेंगे, डबल। पहले हम इसको एक फैब्रिक पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने एक फैब्रिक पे इसको सेट कर लिया है। अब हम एक फैब्रिक और लेंगे, इसको इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें यहाँ से यहाँ तक लगानी है, जिधर हमने शेप दी थी उधर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। हम इसको सीधा कर लेंगे। जिस पे हमने पीस पे बुकरम सिली है उसी पीस पे हम इस तरह मोड़ देंगे, इसको सिलाई लगा देंगे।
ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है एक पीस में। हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे फैब्रिक पे इसके साथ। ये हमने इसमें निशान लगा लिया है, इस पे हम ज्वाइंट करके सिलाई लगाएंगे। ये हमारा नेक है, इसको हम यहाँ पे इस तरह पहले कच्चा कर लेंगे, यहाँ से इसको पूरा गोल घुमा के लगा देंगे। ये मैंने इसमें कच्चा कर लिया है ज्वाइंट, इसमें दोनों को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब जो ये हमारा ऊपर वाला पीस है, इसको ये जो हमारी सिलाई, इसको अंदर कर देंगे हम, और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके तीनों तरफ, ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है, और हमने यहाँ पे एक बटन लगा दिया है। यहाँ पे अंदर की साइड हमने तुरपाई कर ली है। अभी हमने एक लुप्पी बनाई है, इसको हम इस तरह यहाँ लगा देंगे बटन के साथ। इस तरह रखेंगे।
और यहाँ पे सेट कर देंगे। ऐसे हम पूरे नेक पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा नेक रेडी है।